और यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, क्या फायदा। हाँ जाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वहाँ अपने सुंदर पैर धो रहा था, मुझे इस तरफ से भागो तेज भागो वाली आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं भाग कर देखने आ गया और तुम मिल गए। तो क्या हाल चाल है? मूड थोड़ा खराब लग रहा है, बताओ क्या हुआ? वो ग्रेस है ना, वो आजकल बहुत बॉस गिरी दिखा रहा है। बेकार में उदास हो रहे हो, वो तो सिर्फ अपने छोटे भाई का ख्याल रख रहा है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। क्या, तुम तो लकी हो कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है। काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, वो तो 10 फीट लंबा होता। पता नहीं वो पत्थर के बीच में से कहां से टपक गया। हाय चार्ली, तुम यहाँ पर कैसे? मैं वहाँ पे अपने सुंदर पैर धो रहा था, तभी मुझे ये किसकी आवाज है? बापरे, मैंने सुना है आजकल ये जंगल बहुत ही खतरनाक हो गया है, खतरनाक जानवर, शिकारी, भूत। कुछ भी मत कहो, भूत वूत कुछ भी नहीं होता। अच्छा तो वो पैरों के निशान किसके हैं? किसी छोटे जानवर के होंगे। और वो स्क्रैच मार्क्स किसके होंगे? वो किसी खरगोशों ने किए होंगे। इस बैर को वो खरगोश दिख गए। फिक्र मत करो, मैंने देख लूंगा। मुझे सब अपने बटुए दे दो। ये लो रखो। सॉरी, बटुए में ज्यादा पैसे नहीं है, पर हम आपको अपने घर में बिरयानी खाने के लिए न्योता देना चाहते हैं। और ठीक है, बिरयानी नहीं, हम आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे सकते हैं। क्या बात है पांडा, तुम कितने बहादुर हो, तुमने कमाल कर दिया, उन्हें ऐसे भगाया जैसे वो मच्छर हो। क्या पर कैसे? आइस बेयर तुम्हें सल्यूट करता है। क्या दिमाग लगाया तुमने, अपने आप को ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिखा दिया। आइस बेयर को भी सिखाओ प्लीज। तुम तो चैंपियन हो, तुमने सबकी जान बचाई। थैंक्स दोस्तों, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो घर जाने का वक्त हो गया, वैसे भी एक दिन के लिए इतनी बहादुरी काफी थी, है ना? हाँ तो चलो चलते हैं। एक मिनट, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे रास्ता याद नहीं है, पता नहीं हम कहाँ से। पांडा, तुम GPS चेक कर रहे हो, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हें तो सब कुछ आता है। लेकिन मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहाँ नीचे आ जाओ और तुम गए ऊपर। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे सिग्नल भी मिल गया, उस तरफ चलो। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ो। ग्रेस, मैंने भी तो वही कहा ना। हाँ भालू, तुम अपना वाटर बैग भूल गए। चलो ना, चढ़ जाओ ऊपर। अजीब लग रहा है। हे मॉल चलाओ, शॉपिंग करनी है मुझे, ले चलो। रह नहीं सकती मैं शॉपिंग के बिन, फोन ले दो, मेरी सहेली के पास है नया माल, मुझे जलन हो रही है। मान जाओ ना, तुम मान जाओ ना, मैं तो हूँ बॉस, तुम मेरी ATM मशीन। और सुनो, मुझे कोरियन कराओ के पसंद नहीं है, उनके गाने आते नहीं मुझे। फिक्र मत करो, देखना मजा आएगा, चलो आगे बढ़ो। ये जादू है, दोस्ती है, ये दोस्ती नहीं तो कुछ नहीं है। तुम्हारी बारी। ये ऐसा क्यों? चलो स्टेज से उतर जाओ। ग्रेस, मैं क्यूट नहीं होना चाहता। अब ये सब बातें छोड़ो और पिज्जा खाते हैं। एक्सक्यूज मी, वो सर्दी हो गई ना, मौसम ही इतना खराब है। पेंडा, तुम्हारी छींक बहुत क्यूट थी। मुझे क्यूट कहना बंद करो। ब्लेस यू, उसकी छींक कितनी क्यूट थी, है ना? पांडा की छींक क्यूट है। मैं क्यूट नहीं हूँ। हाय, तुम्हारी छींक वाकई क्यूट थी। बस करो, मैं क्यूट नहीं हूँ, तुम्हें लगता है मैं क्यूट हूँ क्या? तुम भी ना आईसी, मैं क्यूट नहीं हूँ। अच्छू, मैंने शूट कर लिया। कमाल है, मैं क्यूट नहीं हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
वेलकम टू द शो, मैं हूं टॉम। और मैं हूं केट। क्यों जानवर किसे पसंद है? ओ, मुझे है टॉम। हाँ केट, हम सबको भी पसंद है। क्यूट क्यूट जानवर इंटरनेट पर छा रहे हैं और स्टूडियो में हमने उनमें से दो को बुलाया है। प्लीज हमारे गेस्ट का स्वागत कीजिए, नाम नाम द कोआला और पैंडा द पैंडा। बुलाने के लिए थैंक्स, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। स्माइल करते रहो। तो चलिए सबसे पहले वो छींकने वाला वीडियो देखते हैं जो सबको बहुत पसंद आया है। मन करता है इसे अभी झप्पी दे दूं। मैं तो इस पैंडा को रोज झप्पी देता हूँ। वैसे मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। सब मुझसे यही पूछते हैं कि हे नॉम नॉम, तुम्हारा नया वीडियो कब रिलीज होने वाला है? तो मेरा जवाब है अभी इसी वक्त। ओके, तो नॉम नॉम के नए वीडियो को हम अभी यही देखेंगे। हे चू, ये रिकॉर्ड करना बंद करो। सॉरी। हे नॉम नॉम ने तो पैंडा का वीडियो कॉपी किया है। नहीं दोस्तों, मैंने ये वीडियो पहले ही बना लिया था। वैसे खुशखबरी है, एनुअल क्यूटनेस कॉम्पिटिशन होने ही वाला है। कॉम्पिटिशन? हाँ पांडा, दो जानवर उसमें भाग लेंगे और उनमें से एक को इंटरनेट का सबसे क्यूट जानवर घोषित किया जाएगा। हमारे एनुअल क्यूटनेस कॉम्पिटिशन के दो कंटेस्टेंट्स हमारे सामने ही बैठे हैं। कॉम्पिटिशन में बड़ा मजा आएगा। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा मत। पहले ही लाइन लगाई इसलिए आगे सीट मिल गई। आई सी, हमारा पैंडा बहुत अकेला महसूस कर रहा होगा ना। देखो यहाँ कितने सारे लोग आएंगे, कहीं उन्हें देख के वो बेचारा नर्वस ना हो जाए। आप सबका स्वागत है इस क्यूटनेस कॉम्पिटिशन में। शुरू हो गया। जिसका भी क्यूटोमीटर सबसे पहले भरेगा क्यूट जानवर घोषित कर दिया जाएगा और उसे एक शानदार ट्रॉफी भी मिलेगी। चलिए शो शुरू करते हैं। स्वागत कीजिए इंटरनेट के बादशाह नॉम नॉम का। आ गया है छा गया, सबके दिलों को भा गया, है प्यारा बहुत ही है। नॉम नॉम की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन क्या ये काफी होगी हमारे गोलू मोलू चिकने वाले पैंडा को हराने के लिए? पैंडा ये आ गया, आ गया छा गया। मेरा नाम है पैंडा, मैं हूँ एक पैंडा, मैं हूँ पैंडा, मैं हूँ एक बेर। ये चेहरा भूल न सकूंगा कभी। अब छप गया है ये तो तस्वीर की तरह। मैं ऐलान करता हूँ तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, कभी भी ना छोड़ूंगा। मैं हूँ दोस्त, कर 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 लो यकीन तुम सच्चे दोस्त पर। हाँ ये दोस्ती नहीं है पर होगी पक्की, ये यकीन है। लुसी, हमें ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। ओ कोई बात नहीं। हे तुम सब आज डिनर पर क्या कर रहे हो? वैसे कुछ खास नहीं। बुद्धू का बुद्धू। क्या कहा? नहीं वैसे हमारा कोई प्लान नहीं। अच्छा तो एक नया रेस्टोरेंट खुला है 45th Street पर, मैं इस पर एड्रेस लिख देती हूँ। वहाँ पर फ्रेंच और इटालियन खाना मिलता है। मतलब मेरे टाइप का खाना। ग्रेट, तो फिर डेट पक्की। हाँ, चार दोस्तों की डेट। इस पैर का आज पेट खराब होना पक्का। थैंक्स, आज हमें बहुत मजा आया और हमारे मिलने का कारण है मेरा ये छोटू गोलू मोलू भाई जिसे एलर्जी की बीमारी है। ओ, तुम सब बहुत क्यूट हो। रात को मिलते हैं। डरना नहीं पैंडा, डरना नहीं। एक्सक्यूज मी पैंडा, मैं यहाँ हूँ पैंडा। पैंडा, पैंडा, मैं यहाँ हूँ। हे, तुम्हारे भाई कहाँ है? उल्टी हो रही है।
कुछ ज्यादा ही सैंपल्स खा लिए ना उन्होंने। ज्यादा बीमार तो नहीं, तुम्हारे घर चले गए? नहीं, आई मीन बिल्कुल नहीं, वो तो हर जगह बस उल्टी किए जा रहे हैं। ओहो हो बेचारे, छोड़ो ना, खाना खाते चलो, ये तुम्हारे लिए।